क्लास में सीखा था दो अक्षरों को पढ़ना। अभी हम सीखेंगे तीन अक्षरों को जोड़कर लिखना और पढ़ना। ठीक है, ये है ब त ख। ब त ख यानी क्या है? बतख। ब त ख। ब त ख यानी क्या है? डक। ब त ख यानी क्या है? डक। उसी तरीके से दूसरा अक्षर है ए, माफ कीजिए, ए अधिक न अधिक क। ये क्या है? ऐनक। ये है ऐनक। ऐनक यानी क्या है? स्पेक। ठीक है, और तीसरा अक्षर जो है अभी प अधिक व अधिक न। पवन। पवन मतलब क्या है? पवन। पवन मतलब क्या है? ए आई आर, एयर। ठीक है, हवा। उसके बाद है चौथा अक्षर है औ अधिक र अधिक त। क्या है? औरत। औरत यानी के उमन। ठीक है, अभी पांचवा अक्षर जो है म ग र। मगर यानी क्या है? क्रोकोडाइल। ठीक है, उसके बाद है छठा अक्षर है प अधिक द अधिक र। अगर अगर यानी क्या है? सातवां अक्षर है न अधिक म अधिक क। क्या है? न म क। नमक। नमक यानी क्या है? सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद आठवां अक्षर है, आठवां अक्षर जो है आ अधिक का अधिक श। आकाश। आकाश ये है स्काई। ठीक है, और अगला अक्षर है नौवां अक्षर अ अधिक श अधिक र। अक्षर। वर्ड। ये हो गए अक्षर, अदरवाइज यू कैन से अल्फाबेट। ठीक है, ये हो गए तीन अक्षरों वाले शब्द। अभी जो है वो है ज अधिक हा अधिक ज। जहाज। जहाज यानी क्या है? शिप। ठीक है, इसके बाद है न अधिक क अधिक ल। क्या है? नकल। नकल यानी कि डुप्लीकेट।
डुप्लीकेट, ठीक है। इसके बाद जो अक्षर है आ, अधिक ल, अधिक स, आलस। आलस यानी क्या है? लेजी, लेजी, ठीक है। उसके बाद जो अक्षर है श, अधिक अधिक ल, शकल, माफ कीजिए, शकल, ठीक है, यानी कि फेस। और कौन से आते हैं? न, अधिक र, अधिक म, नरम। नरम यानी क्या है? सॉफ्ट, सॉफ्ट, नरम, सॉफ्ट, ठीक है। ये हो गए दो तीन अक्षरों वाले शब्द। अभी आपने क्या किया था, आपने पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था दो अक्षरों वाले शब्द, अभी है ये है तीन अक्षरों वाले शब्द। अभी आपको क्या करना है कि आपको इसी तरीके से तीन अक्षरों वाले शब्द ढूंढकर अपने होमवर्क बुक में लिखना है। कितने लिखने हैं? 10 अक्षरों को आपको अपने होमवर्क बुक में लिखने हैं। और एक बार दोहराती हूँ, आपको क्या करना है अभी इसी तरीके से तीन अक्षरों वाले शब्द को अपने होमवर्क बुक में उतारना है और वो 10 अक्षर आपको लिखने हैं नए ढूंढकर। इसमें से कोई भी अक्षर नहीं आना चाहिए, आपको नए अक्षर ढूंढकर लिखने हैं। यह आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हम समझते हैं कि आपको दो अक्षरों वाले शब्द और तीन अक्षरों वाले शब्द आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम सीखेंगे 4 अक्षरों वाले शब्द, ठीक है।